बीते दिनों उत्तर प्रदेश हो, गोवा हो, उत्तराखंड हो, जहां जहां बीजेपी के पक्ष में मुझे वहां कार्यक्रमों के लिए जाना हुआ, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक अभूतपूर्व लहर मैंने देखी है। अभी मैं उत्तराखंड से आ रहा हूं, जो मिजाज उत्तराखंड मैंने देखा है, जो उत्साह और उमंग मैंने उत्तराखंड में देखा है, भाइयों बहनों, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में पहले से ज्यादा कैसे सीटें प्राप्त करे, ये जैसे जनता ने मन बना लिया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए आज भाजपा का कार्यकर्ता जितनी मेहनत कर रहा है, उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश के, गोवा के, उत्तराखंड के, पंजाब के, मणिपुर के, वहां के मतदाता जी जान से जुटे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मैं इन मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज मैं कन्नौज की धरती से उत्तराखंड के लोगों को, गोवा के लोगों को फिर एक बार कहूंगा कि 14 फरवरी को अधिक से अधिक मतदान करके रिकॉर्ड बनाएं। और साथियों, मैं आपसे एक बात कहूंगा, यूपी में लड़ाई इस बात की नहीं है कि किसकी सरकार बनेगी या किसकी सरकार नहीं बनेगी। पूरा यूपी जानता है, पूरा देश जानता है कि आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। और पहले चरण के चुनाव ने ये पक्का कर दिया है कि आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। बस अब मुकाबला इस बात का है कि बीजेपी की जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, वो पहले से कितनी ज्यादा सीटें लेकर के बनेगी, इसका मुकाबला चल रहा है। और इस मुकाबले में भी आगे निकलना है, इसलिए भाजपा समर्थकों के लिए भी एक एक वोट की अहमियत है। योगी जी आज फ्रंट फुट पर जो मोर्चा संभाले हैं, तो उसके पीछे भी आपके आपके एक एक वोट की ताकत है, आपके समर्थन की ताकत है। हमें मिलकर इस ताकत को और बढ़ाना है। भाइयों और बहनों, पहले चरण के मतदान ने एक और बात साफ की है। दो दिन से गौर परिवारवादियों को सपने दिखना बंद हो गए हैं। गौर परिवारवादियों को सपने दिखना बंद हो गए हैं। पता है क्यों? इसलिए कि उनकी नींद हराम हो गई है। वो लोग सोच रहे थे कि जातिवाद फैलाकर, संप्रदायवाद फैलाकर वोटों को बांट देंगे, लेकिन मुझे खुशी है कि यूपी के लोग माफियावादियों, दंगावादियों के खिलाफ
एकजुट होकर वोट कर रहे हैं। ये एकजुटता दंगावाद से मुक्ति के पक्ष में है, ये एकजुटता कानून व्यवस्था के पक्ष में है, ये एकजुटता महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि के पक्ष में है। यूपी के जिन क्षेत्रों में आगे के चरणों का चुनाव है, वहां के लोगों को भी मैं कहूंगा इसी तरह एकजुट रहना है, अपना वोट जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर बटने नहीं देना है।